गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा। आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होगी। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया भर के रुपहले पर्दे के बड़े नामों में शुमार अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैथरीना जेटा जॉन्स भी इफ्फी के मंच पर नजर आईं। इफ्फी के 54वें संस्करण में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। When I realized that he was not only the director, but he was a writer, that he was a film editor, that he was a musician, that he authored books, he was quite an extraordinary man. And then also the sense of dealing with people, he would not think of being heroic or large scale, but showing a reality and a texture that we had known about all left me with an impression. माइकल डगलस ने ऑस्कर से लेकर एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, पाम जी और कैन जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस फेहरिस्त में एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ गया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है। Let me just thank the IFFI so much. Thank you so much for all the good work that you've been doing on this festival. Congratulations. It's a great job. And thank you all so much for being here. इस मौके पर विख्यात अभिनेत्री कैथरीन जेटा जॉन्स भी मौजूद थीं। फिल्म ओम शांति ओम और लंच बॉक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। When my kids were very small, my son will tell you that we showed him Om Shanti Om, which was one of my favorite movies. And Dylan had to, when his kids' friends came over, he was like, do you want to see a movie from India? It's my mom's favorite movie, and we love it. And I would love to be part of something in the industry. In fact, one of my favorite movies, which is not Bollywood, is called The Lunchbox, which is one of my favorite movies of all time. माइकल डगलस 28 नवंबर को मास्टर क्लास लेंगे, जहां वे सिने प्रेमियों के साथ अपने अनुभव भी बांटेंगे। मंगलवार को इफ्फी के 54वें संस्करण का समापन हो रहा है। बेहद आत्मीयता के साथ, खुले दिल के साथ माइकल डगलस ने सत्यजीत रे को याद किया और भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जाहिर की। यही तो आकर्षण है, प्रभाव है भारतीय सिनेमा का कि आज विश्व के श्रेष्ठ कलाकार भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा।